दिनांक 11 सितंबर वर्ष 2020, दसवीं कक्षा मैथ्स 2 का पांचवा चैप्टर निर्देशांक भूमिति। इसमें 5.1 को समझने के लिए कुछ सूत्रों की ज़रूरत है। उन सूत्रों को आप अच्छी तरह समझ लीजिए, जैसे कि ये दूरी सूत्र है। दूरी सूत्र कैसे लगाना है और क्यों यूज़ किया जाता है, कब यूज़ किया जाता है, जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो तो दूरी सूत्र का उपयोग करते हैं। जैसे कि यदि बिंदु A का निर्देशांक x1 और y1 है और बिंदु B का निर्देशांक x2 और y2 है, तो AB की दूरी ज्ञात करने के लिए इस तरह से सूत्र लिखना पड़ेगा कि AB बराबर करणी में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पर कोई भी x पहले ले सकते हैं आप। ये x2 पहले ले रहे हैं यहाँ पर, तो दूसरे y लेते समय भी आपको y2 ही पहले लेना पड़ेगा। अगर आप x1 माइनस x2 कर रहे हो तो यहाँ पर y1 माइनस y2 ही करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि x2 माइनस x1 और फिर यहाँ पर उल्टा कर दो y1 माइनस y2, ये कर दिया तो गलत हो जाएगा, ये बात याद रखना आप। फिर है कि तीन बिंदु एक रेखी यदि सिद्ध करना है तो कैसे हो सकते हैं। देखिए, जैसे कि ए बी और सी तीन बिंदु हैं और ये, तो हमें तीनों की दूरी निकालनी पड़ेगी। जैसे ए बी की दूरी, बी सी की दूरी, ए सी की दूरी, तीन दूरी आप निकालेंगे तो एक दूरी की सबसे बड़ी रहेगी, बाकी दोनों दूरियां छोटी रहेंगी। दोनों छोटी दूरियों को प्लस करने पर अगर वो बड़ी वाली दूरी के बराबर आ जाता है तो तीनों बिंदु एक रेखीय होते हैं। अब इसमें हम पहचानेंगे कैसे कि बीच में कौन सा बिंदु है। अब देखिए, यहाँ पर जैसे कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी आ रहा है, तो ये जिन बिंदुओं को हम प्लस कर रहे हैं उसमें बी देखिए दोनों में है, तो इसलिए बी बीच में होगा। ये इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि बीच में कौन सा बिंदु रहेगा। तीसरा है कि समकोण, तीन बिंदु दिए हैं और यदि कहा गया है कि वो तीन, पहचानना है कि वो तीनों बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं, तब क्या करते हैं। तब हमें ठीक ऐसे ही जैसे पहले हम कर रहे थे, तीनों बिंदुओं की दूरी निकालेंगे फिर उनका वर्ग कर देंगे, तीनों का वर्ग करेंगे। वर्ग करने के बाद हम देखेंगे कि एक नंबर सबसे बड़ा मिला है, बाकी दोनों छोटे होंगे। दोनों छोटों को प्लस करने पर अगर वो बड़े वाले के बराबर आता है तब वो तीनों बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु होंगे। चौथा, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम हो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। ये आप समझ लीजिए कि जैसे कोई चतुर्भुज है और उसकी सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम हैं तो वह चतुर्भुज सम्मुख चतुर्भुज होगा। अब सम्मुख भुजा कहते किसको है, देखो ये चतुर्भुज ए बी सी डी है जैसे, तो इसमें चार भुजा हैं, भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा सी डी और भुजा डी ए। सम्मुख भुजा कैसे पहचानते हैं, जैसे कोई भी एक भुजा लिखो, ए बी लिख रहा हूँ मैं अगर, तो उसकी सम्मुख भुजा में ए और बी नहीं आना चाहिए। तो ए और बी को यदि हम छुपा दें तो क्या बचेगा, सी डी, तो इसलिए ए बी और सी डी सम्मुख भुजा हैं। ऐसे अगर मैं भुजा बी सी लिखूं तो उसकी सम्मुख भुजा में बी सी नहीं आएगा, तो बी सी यदि नहीं आएगा तो क्या आएगा, ए डी आएगा, तो इसलिए बी सी की सम्मुख भुजा ए डी। तो ऐसे ही सम्मुख भुजा, यही दोनों सम्मुख भुजा की बराबर हो, जैसे ए बी बराबर सी डी हो और बी सी की सम्मुख भुजा ए डी वो भी बराबर हो, तो ऐसे चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इसी प्रकार अगली जानकारी है कि जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं सर्वांगसम हो उसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। ऐसे ही समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं सर्वांगसम हो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है।
तो अब शुरू करते हैं 5.1 में। 5.1 के पहले सवाल में हमें बिंदुओं के बीच की दूरी पूछी गई है। जैसे ए और बी ऐसे दो बिंदु दिए हैं और हमें उसकी दूरी याद करनी है। तो इसमें इसको एक्स के एक्स निर्देशांक को एक्स वन मान लेते हैं, इसको वाई वन, ये एक्स टू और ये वाई टू मान लेते हैं। अब दूरी सूत्र लगा देंगे। दूरी सूत्र का फार्मूला है करणी में एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। अब एक्स टू के जगह पे चार है, एक्स टू चार को हमने एक्स टू माना है, तो एक्स टू की जगह पे चार आ जाएगा। जहाँ एक्स वन है वहाँ पर दो आ जाएगा। तो वाई टू देखिए, वाई टू कितना है, वन है, तो वाई टू की जगह पे वन आ गया। वाई वन देखिए तीन है, तो वाई वन की जगह पे तीन, फोर माइनस टू टू का होल स्क्वायर, वन माइनस थ्री माइनस टू का होल स्क्वायर, और ये फोर, ये भी फोर, और ये एट। एट का वर्गमूल अगर हम निकालें तो एट मतलब चार दूनी आठ होता है, चार दूनी आठ, तो चार का वर्गमूल दो, और जो दो है वो करणी में ही रहेगा, रूट टू, तो टू रूट टू आ गया ए बी। अब दूसरा सवाल ऐसे ही है, पी माइनस फाइव कॉमा सेवन क्यू माइनस वन कॉमा थ्री, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू मान लिया। पी क्यू निकालना है, करणी में सूत्र लग जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। फिर एक्स टू एक्स वन वाई टू का मान डाला, अबे माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस वन प्लस फाइव होल स्क्वायर, ये माइनस फोर होल स्क्वायर, माइनस वन प्लस फाइव करेंगे तो फोर हो जाएगा फोर स्क्वायर, और ये माइनस फोर स्क्वायर, चार का वर्ग सोलह, ये भी सोलह, सोलह सोलह बत्तीस। अब देखिए बत्तीस में यानी सोलह दूनी बत्तीस होता है, तो सोलह का वर्गमूल चार और दो, करणी दो रह जाएगा, तो पी की दूरी हो, पी क्यू की दूरी। अब आर क्यू, यहाँ पर कई लोग ये बटे देख करके घबरा जाएंगे, तो आर एस देखिए, ये एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू मान लिया, सूत्र लिख दिया, एक्स टू एक्स वन दोनों ज़ीरो है, वाई टू फाइव अपॉन टू है, माइनस वाई वन माइनस थ्री है, तो वाई वन माइनस थ्री, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये फाइव वैसे लिखेंगे, प्लस वैसे लिखेंगे, ये त्रिया गुणा करके लिखते हैं, दो तिहाई छः, तो फाइव प्लस छः हो जाएगा। नीचे नीचे तो सीधा गुणा हो जाता है, यहाँ तीन के नीचे कोई नंबर नहीं है तो वन होता है, तो दो एकम दो, और ये छः पाँच ग्यारह बटे दो होल स्क्वायर। अब 11 बटे 2 का होल स्क्वायर है और ये वर्गमूल भी है, स्क्वायर भी है और वर्गमूल भी है, तो ये स्क्वायर और वर्गमूल दोनों कट जाता है, ये करणी और ये स्क्वायर दोनों कट जाएंगे, तो आंसर आएगा 11 बटे 2, आर एस 11 बटे 2। अगले सवाल पर चलते हैं, ये एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू मान लिया, एल एम का सूत्र लिख दिया, एक्स टू एक्स वन वाई टू वाई वन का मान डाल दिया। अब यहाँ मान डालते समय सावधान रहना है, देखिए एक माइनस पहले से ही है, वाई वन माइनस सेट है, तो ये ब्रैकेट में माइनस सेट आएगा, बाद में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस थ्री प्लस एट, माइनस सात माइनस पाँच। जब दोनों चिन्ह समान होते हैं तो दोनों नंबर को जोड़ दिया जाता है और वही सेम चिन्ह लग जाता है, और जब दोनों चिन्ह विपरीत होते हैं तो दोनों को घटा करके बड़े वाले चिन्ह बड़ा चिन्ह डाला जाता है, से एक माइनस एक प्लस है तो दोनों को घटाना पड़ेगा, तो पाँच आ जाएगा, और बड़ा नंबर प्लस है तो ये प्लस पाँच आ जाएगा, तो ये माइनस बारह का वर्ग 144, पाँच का वर्ग 25, 169 वर्गमूल लिया, 13 आ गया, एल एम की दूरी मिल गई। अब चलते हैं पांचवे सवाल पर, बिंदु टी आर की दूरी ज्ञात करनी है। वही तरीका, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू माना, एक्स वन एक्स टू वाई टू वाई टू वाई वन का मान डाल दिया। एक्स वन माइनस थ्री था तो ये माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस ये पहले से ही है, एक्स वन भी माइनस में है, तो ये माइनस माइनस प्लस यानी नाइन प्लस थ्री हो गया। अब यहाँ पर दोनों चिन्ह समान हैं, तो जैसा मैंने कहा चिन्ह समान होता है तो दोनों को जोड़ देना है और वही चिन्ह लगा देना है, तो दस और छः को जोड़ देंगे सोलह, दोनों माइनस है इसलिए माइनस,
-16 का वर्ग 256, 9 × 3 = 12, 12 का वर्ग 144, 400 आ गया, 400 का वर्गमूल 20, तो ये टी आर की दूरी 20 आ गई। छठे सवाल पर चलते हैं। हमेशा की तरह x1 y1 x2 y2 मान लिया, सूत्र लिख दिया, x2 x1 y2 y1 का मान डाल दिया, ये 0 हो गया। अब यहाँ पर जैसा मैंने कहा था, ये तिर्यक गुणा हो जाएगा, 11 × 2 = 22 प्लस ये 7, नीचे देखो 11 के नीचे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 × 1 = 2, अभी 22 × 7 = 29 होल स्क्वायर, तो 29/2 का होल स्क्वायर भी है और स्क्वायर रूट भी है, तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 29/2 आ जाएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरे सवाल पर पूछा गया है कि नीचे दिए गए बिंदु एक रेखी हैं या नहीं, इसकी जांच करना है, तो हमें ए बी बी सी ए सी तीनों निकालना पड़ेगा, उसमें से जो छोटे छोटे नंबर्स हैं उनको जोड़ना पड़ेगा, वो बड़े वाले के बराबर आ गया तो एक रेखी है, नहीं आया तो एक रेखी नहीं है। तो देखिए ये ए और बी है, तो ए बी की दूरी निकालना है, तो अब डायरेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये एक्स, जो एक्स को निर्देशांक है, जो पहले नंबर हैं, इनको माइनस करना पड़ेगा, 2 − 1 होल स्क्वायर, फिर प्लस, अब हमने पहला नंबर यहाँ से लिया था, तो आप यहाँ भी नेक्स्ट ब्रैकेट में भी पहला नंबर इसी का लेना पड़ेगा, तो −5 − −3 होल स्क्वायर। ये आपने अगर उल्टा कर दिया बेटा तो गलत हो जाएगा, यहाँ ध्यान रखना, 2 − 1 किया है तो यहाँ भी −1 − 3 ही होना चाहिए, −5 − −3, अब ये −−+ और ये 2 − 1 = 1, तो 1 स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, ये −5 + 3, एक माइनस एक प्लस हो तो दोनों नंबर को घटा देते हैं और बड़े नंबर का चिन्ह लगा देते हैं, तो 5 में से 3 घटाएंगे 2 आ जाएगा, बड़ा चिन्ह माइनस है, तो 2 स्क्वायर 4, तो ए बी √5 आ गया। बी सी निकालेंगे, बी सी जैसे हमेशा करते थे, एक बार एक्स को माइनस कर देंगे, यानी पहले नंबर को, फिर दूसरे नंबर को भी माइनस कर देंगे, तो देखिए −4 − 2 होल स्क्वायर, बीच में हमेशा प्लस रहता है, फिर 7 − −5 होल स्क्वायर, दोनों चिन्ह माइनस है, दोनों चिन्ह सेम है तो 4 और 2 जुड़ जाएगा 6, और सेम चिन्ह लग जाएगा, यहाँ −−+, 7 × 5 = 12 का वर्ग, −6 का वर्ग 36, 144 = 180 आ गया। ये आप वर्गमूल लेंगे तो 6 × 5 = 5 आ जाएगा, क्योंकि 36 × 5 = 180 होता है, तो 36 का वर्गमूल 6 और 5 का वर्गमूल 5 = 5, तो बी सी √5 आ गया। अब हम ए सी की लंबाई निकालेंगे, ए सी की दूरी ज्ञात करेंगे, वही फार्मूला, दोनों यहाँ माइनस है तो दोनों जुड़ जाएगा, माइनस लगाना चिन्ह माइनस का लगेगा, ये −−+, 5 का वर्ग 25, 7 × 3 = 10, 10 का वर्ग 100, 125, 25 × 5 = 125 होता है, तो 25 का वर्ग 5, वर्गमूल 5 और 5 का वर्गमूल = 5। तो अब देखिए सबसे बड़ा नंबर 6√5 था, तीन नंबर हमें मिला, एक नंबर 5√5, दूसरा √5, तीसरा 6√5। 6√5 सबसे बड़ा है, तो यहाँ देखो 5√5 और 1√5 को अगर प्लस करेंगे तो 6√5 आता है। 5√5 क्या था, ए सी की लंबाई थी, √5 किसकी लंबाई थी, ए बी की थी, 6√5 किसकी थी, बी सी की थी, तो इसका मतलब ए सी प्लस ए बी बराबर बी सी हो रहा है, यानी कि बिंदु ए बी सी एक रेखी हैं। यहाँ देखो ए दोनों में आ रहा है, इसका मतलब ए बीच में रहेगा, C′A′B। इसी तरह दूसरा सवाल भी करना है, ये LM की दूरी ज्ञात करेंगे दूरी सूत्र से, फिर MN की दूरी ज्ञात करेंगे और फिर LN की दूरी ज्ञात करेंगे, तो इसमें देखिए ये √65 आ रहा है,
ये रूट 45 आ रहा है, ये भी रूट 65 आ रहा है। तो यहाँ पर रूट 65 मतलब दो तीन जो हमें दूरियाँ मिली हैं उसमें से किसी भी दो दूरी को जोड़ने पर वह तीसरी दूरी के बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए ये बिंदु एक रेखी नहीं है। तीसरा आर डी डी एस और आर एस ज्ञात करेंगे। आर डी ज्ञात किया दूरी सूत्र से, डी एस दूरी सूत्र से और आर एस भी दूरी सूत्र से ज्ञात किया, लेकिन यहाँ पर भी रूट 25 सबसे बड़ा था तो रूट 8 प्लस रूट 5 रूट 25 नहीं हो रहा, इसलिए ये भी एक रेखी नहीं है। अब यहाँ पर पी क्यू की दूरी ज्ञात की है दूरी सूत्र से, फिर क्यू आर की दूरी और फिर पी आर की दूरी। तो यहाँ पर देखिए एक दूरी रूट टेन मिली, दूसरी भी रूट टेन मिली, तीसरी रूट टेन मिली। तो दोनों जो छोटी छोटी दूरियाँ हैं इनको प्लस करने पे बड़ी दूरी के बराबर आता है, रूट टेन प्लस रूट टेन बराबर टू रूट टेन। तो इसलिए यहाँ पर तीनों बिंदु एक रेखी होंगे। अब यहाँ क्यू दोनों में आ रहा है तो क्यू बीच में रहेगा, पी डैश क्यू डैश आर। तीसरा सवाल शुरू करते हैं। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक ज्ञात करना है और वह बिंदु बिंदु ए और बी दोनों से समान दूरी पर हैं, तो उसका निर्देशांक क्या होगा? तो हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा कि माना एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु पी है जिसका निर्देशांक ए कॉमा ज़ीरो है। देखिए अगर ये वाई अक्ष पर होता तो इसको 0.a लिखते या 0.b भी लिख सकते हैं। ये छोटी सी बात आप समझ लीजिए, x अक्ष पर है तो y निर्देशांक 0 रहेगा और x निर्देशांक को a लिख सकते हैं, कुछ भी हम मान सकते हैं। और y अक्ष पर अगर बिंदु है तो उसका x निर्देशांक 0 होगा और ये जो y निर्देशांक है उसे b मान सकते हैं। तो बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है तो इसे हमने पी ए कॉमा ज़ीरो मान लिया, बिंदु ए और बी हमें दिया गया है। अब शर्त क्या है कि ये जो पी ए है और ये पी बी है ये दोनों बराबर है, पी ए बराबर पी बी। अब दूरी सूत्र से पी ए कैसे लिख सकते हैं, पी ए है तो पहले तो दोनों को एक्स माइनस करते हैं तो ए माइनस थ्री का होल स्क्वायर, उसके बाद ज़ीरो माइनस फोर का होल स्क्वायर। ऐसे पी बी कैसे लिखेंगे, ये पी बी है ना तो ए माइनस वन होल स्क्वायर, उल्टा भी लिख सकते हो वन माइनस ए भी लिख सकते हो, लेकिन अगर वन माइनस ए करते हो तो माइनस फोर माइनस ज़ीरो करना पड़ेगा, अगर ए माइनस वन करते हो तो ज़ीरो माइनस ऑफ माइनस फोर करना पड़ेगा, ये याद रखना। ए माइनस वन होल स्क्वायर यहाँ लिखा है देखिए, तो अगला क्या लिखेंगे, 0 माइनस ऑफ माइनस फोर होल स्क्वायर, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ यदि करणी है तो वर्क करने पर एक करणी गायब हो जाएगी अगले स्टेप में। अगले स्टेप में देखिए वर्क किया तो एक करणी गायब हो गया, ऐसा मान लो कि दोनों की करणी कट गई, ऊपर की जो करणी है कट गई। a माइनस थ्री होल स्क्वायर ये सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का, पहले पद का वर्ग माइनस दो गुड़े पहला पद गुड़े दूसरा पद धन दूसरे पद का वर्ग, ये सूत्र लग गया। और ये प्लस फोर का स्क्वायर, माइनस फोर का स्क्वायर, यहाँ पे भी वैसे ही है, ए माइनस वन होल स्क्वायर फार्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू वन प्लस वन का स्क्वायर और ये प्लस फोर का स्क्वायर। यहाँ पर ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बचेगा, माइनस दो तिहाई छः सिक्स ए प्लस तीन का वर्ग नौ प्लस चार का वर्ग सोलह। यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस तो रह ही है, दो एकम दो ए प्लस वन का स्क्वायर वन चार का वर्ग सोलह। यहाँ देखिए सोलह और सोलह भी कैंसिल हो जाएगा तो माइनस सिक्स ए प्लस नाइन माइनस टू ए प्लस वन, माइनस टू ए राइट साइड में ले लीजिए तो प्लस टू ए हो जाएगा, माइनस सिक्स से प्लस टू ए और ये प्लस वन माइनस नाइन।
ये हो गया माइनस फोर ए और ये माइनस एट। माइनस फोर से दोनों तरफ भाग दे दोगे तो ए बराबर टू आ जाएगा। तो हमें ए मिल गया, तो इसका मतलब ये बिंदु पी का निर्देशांक जो ए कॉमा ज़ीरो हमने माना था उसे टू कॉमा ज़ीरो लिख सकते हैं। तो इसलिए एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, टू कॉमा ज़ीरो, वो आपको अंत में यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक टू कॉमा ज़ीरो है। चौथा सवाल है पी क्यू आर तीन बिंदु दिए हैं और हमें जांच करना है कि ये तीनों समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं या नहीं। कैसे जांच करेंगे, पी क्यू क्यू आर और पी आर तीनों दूरी ज्ञात करेंगे, तीनों का वर्ग भी कर देंगे, उसके बाद जो छोटे छोटे जो नंबर्स हैं उन्हें प्लस करके देखेंगे, अगर वो बड़े के बराबर आ गया, बड़े वाले नंबर के बराबर आ गया तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं अन्यथा नहीं। तो पी क्यू दूरी सूत्र से ही हमने पी क्यू ज्ञात कर लिया, दूरी सूत्र से क्यू आर निकाल लिया। पी क्यू निकालने के बाद उसका वर्ग भी करना होगा, पी क्यू का वर्ग चार, यानी चार है पी क्यू तो पी क्यू का वर्ग 16 हो जाएगा, क्यू आर 5 है, क्यू आर का वर्ग 25 हो जाएगा। ऐसे ही दूरी सूत्र से पी आर रूट 41 है तो पी आर स्क्वायर 41 हो जाएगा। तो देखिए एक 16 मिला, एक 25 मिला, एक 41 मिला, 41 सबसे बड़ा है, 16 और 25 छोटे हैं, तो 16 और 25 को प्लस करने पे देखिए 41 ही आ रहा है। इसका मतलब 16 किसका आंसर था, 16 यानी पी क्यू स्क्वायर था, 25 क्यू आर स्क्वायर था और 41 क्या था, यहाँ पर ही देख लीजिए 41 पी आर स्क्वायर था, तो 41 पी आर स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ पर बिंदु पी क्यू आर ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं, अगर ये प्लस करने पे बराबर नहीं आता तो ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु नहीं होते। आते हैं पांचवें सवाल पर, हमें सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एस ये शीर्ष बिंदु वाला चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, पी क्यू की दूरी, क्यू आर की दूरी, आर एस की दूरी, उसके बाद पी एस की दूरी निकाल लेंगे, फिर देखेंगे कि जो सम्मुख भुजाएं हैं उसकी दूरी बराबर आ रही है क्या। सम्मुख भुजा मतलब जैसे पी क्यू की हमने निकाला तो पी क्यू की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, आर एस हो जाएगा, ऐसे क्यू आर की सम्मुख भुजा पी एस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सम्मुख भुजा बराबर आनी चाहिए, पी क्यू दूरी सूत्र से हमने किया 5√2 आ गया, क्यू आर दूरी सूत्र से निकाला 4√2 आ गया, फिर आर एस दूरी सूत्र से फिर 5√2 आ गया, पी एस दूरी सूत्र से 4√2 आ गया। तो देखिए यहाँ पर जो सम्मुख भुजाएं हैं वो बराबर आ रहा है, जैसे पी क्यू 5√2 था तो पी क्यू की सम्मुख भुजा आर एस होगी, तो देखिए आर एस भी 5√2 ही है, पी एस 4√2 है तो इसकी सम्मुख भुजा क्यू आर ये भी 4√2 है। तो इसलिए 1, 2 ये 3 और 4 से क्या कह सकते हैं कि पी क्यू बराबर आर एस और क्यू आर बराबर पी एस, इसलिए चतुर्भुज पी क्यू आर एस की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम है, इसलिए चतुर्भुज पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज है, इसलिए बिंदु पी क्यू आर तथा एस शीर्ष बिंदु वाला चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। छठे सवाल पर आते हैं, यहाँ पर बिंदु ए बी सी डी सम चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष बिंदु हैं ये सिद्ध करना है। यहाँ भी हम लोग दूरी सूत्र से ए बी बी सी सी डी और ए सी निकालेंगे और सब आंसर यहाँ बराबर आना चाहिए, देखिए √90 √90 √90 और ए डी भी √90। तो 1, 2, 3, 4 से हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज ए बी सी डी की सभी भुजाएँ सर्वांगसम है, इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी सम चतुर्भुज है, इसलिए बिंदु ए बी सी डी यह सम चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष बिंदु हैं।
सातवां सवाल, बिंदु एल एक्स कॉमा सेवन और एम वन कॉमा फिफ्टीन के बीच की दूरी 10 है, तो एक्स का मान ज्ञात करना है। तो दूरी सूत्र से एल एम हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस सेवन माइनस फिफ्टीन का होल स्क्वायर। अब यदि एल एम की दूरी 10 दी है तो एल एम की जगह पे 10 आ जाएगा, ये फार्मूला लग जाएगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है तो पहले पद का वर्ग माइनस दो गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद धन दूसरे पद का वर्ग, यानी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इंटू वन यानी कि टू एक्स प्लस वन स्क्वायर यानी वन, सेवन माइनस फिफ्टीन माइनस एट स्क्वायर, माइनस एट स्क्वायर 64 हो गया, ये बाकी सब एज इट इज़ लिखना है, ये 64 प्लस वन 25 हो गया। अब एक करनी है ये साइड में, तो वर्ग दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो 10 का वर्ग हो जाएगा, और कोई भी करनी में है और यदि वर्ग कर दें तो करनी गायब हो जाती है, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 65 ये वैसे का वैसे आ जाएगा, 10 का वर्ग 100, 100 और 65 एक साथ लिख देंगे, 100 वहाँ जाके माइनस हो गया, 65 माइनस 100 करेंगे तो माइनस 35 आ जाएगा। ये एक वर्ग समीकरण मिल गया है जिसे कैसे हल करते हैं हम पहले सीख चुके हैं। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ गुणांक 1 है तो 1 इंटू 35 करेंगे तो 35 ही आएगा। 35 का ऐसा गुणनखंड करना है कि माइनस करने पर 2 आना चाहिए। तो देखिए, 7 पचे 35 करेंगे, 7 और 5, 7 पचे 35 होता है और 7 और 5 को माइनस करते हैं तो 2 आता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 7x और 5x बीच 2x कैसे लिखना पड़ेगा, 7x माइनस 5x करते हैं तो 2x आ जाता है। अब 7x माइनस 5x, अब ये माइनस होने के कारण चिन्ह आपको बदलना पड़ेगा, जो 7x माइनस 5x होना चाहिए, लेकिन ये माइनस होने की वजह से ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, 7x माइनस में हो जाएगा, बाकी ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस 35 बराबर 0 ये सब वैसे का वैसे ही रहेगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस 7x में से x कॉमन, x माइनस 7 आ गया, यहाँ पर देखिए 5x है और ये 5 × 7 = 35 होता है, 5 दोनों में कॉमन है तो 5 कॉमन होते ही ये x और यहाँ पर 7, फिर देखिए x माइनस 7 दोनों पद में है तो x माइनस 7 भी कॉमन हो गया, बचेगा क्या, x प्लस 5 बचा, तो अब x माइनस 7 बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर 0, क्योंकि अगर गुणनफल 0 आ रहा है तो दोनों में से एक 0 है तो ही गुणनफल 0 होता है, तो इसलिए 7 को वहाँ शिफ्ट करेंगे तो x बराबर 7 या x बराबर माइनस 5, तो ये x का मान भी मिल गया। अब आते हैं आठवें सवाल पर, ए बी और सी दिया है, हमें सिद्ध करना है कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु, तो सबसे पहले ए बी की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी की, फिर ए सी की, और तीनों आंसर सेम आना चाहिए। तो ए बी में देखिए, ये एक्स दोनों का एक्स निर्देशांक 1 है तो ये 1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई निर्देशांक 6 और 2 है तो 6 माइनस 2 होल स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया, ये 4 हो गया, 4 का वर्ग 16 यानी ए बी रूट 16 तो 16 का वर्गमूल 4, ए बी आ गया 4। अब हम निकालेंगे बी सी, तो बी सी में देखिए यहाँ एक्स निर्देशांक 1 प्लस 2 रूट 3 है, यहाँ एक्स निर्देशांक 1 है तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा, 1 प्लस 2 रूट 3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई निर्देशांक 4 और 6 है तो 4 माइनस 6 होल स्क्वायर, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल तो 2 रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस 2 का स्क्वायर। अब ये देखिए क्या होगा, 2 का वर्ग 4 और रूट 3 का वर्ग 3 प्लस 4, 4 तिहाई 12 प्लस 4, बी सी आ गया 4, ये 12 × 4 = 16, बी सी आ गया रूट 16 तो 16 का वर्गमूल 4 तो बी सी 4 आ गया, तो ए बी भी 4 था, बी सी भी 4 आ गया, दो भुजाएं बराबर हो गई। अब तीसरी भुजा देखते हैं ए सी, ए सी में देखिए
ये ए और सी है, यहाँ पर भी एक्स निर्देशांक 1+2√3 है, यहाँ पर एक्स निर्देशांक 1 है, वाई निर्देशांक 4 और 2 है वाई निर्देशांक। तो पहले एक्स को एक्स निर्देशांक माइनस करेंगे, फिर वाई निर्देशांक माइनस कर देंगे। तो देखिए ये एक्स निर्देशांक 1+2√3 माइनस दूसरा एक्स निर्देशांक 1 होल स्क्वायर प्लस वाई निर्देशांक 4 और 2 है, तो दोनों माइनस किया होल स्क्वायर। अब ये -1+1 कैंसल, 2√3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 का वर्ग 4, 4 तीन 12 प्लस 4, 12 4 16, 16 का वर्गमूल 4, ए सी आ गया 4। अब तीनों ए बी बी सी ए सी तीनों 4 आ रहा है, तो ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, और त्रिभुज बिंदु ए बी सी समबाहु त्रिभुज का शीर्ष बिंदु है, ये भी समाप्त होता है यहाँ पर। अब 5.2 शुरू करने से पहले हमें कुछ नियम समझने पड़ेंगे, कुछ सूत्र समझने पड़ेंगे। सबसे पहले तो विभाजन सूत्र समझ लेते हैं। विभाजन सूत्र, जैसे कि रेखाखंड ए बी है और बिंदु P इस रेखाखंड AB को M और N के अनुपात में विभाजित कर रहा है, यानी ये जो AP है वो उसका अनुपात M है, PB का अनुपात N है, A, P, B तीनों के निर्देशांक हैं X1, Y1, X, Y, X2, Y2। तो देखिए विभाजन सूत्र से ये जो बिंदु P AB को विभाजित कर रहा है, इसका सूत्र कैसे लिख सकते हैं, इसका x निर्देशांक कैसे लिखेंगे। देखिए ये एक P का x निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं, ये जो M है इसका गुणा राइट साइड में होगा। देखिए M भले लेफ्ट साइड में, लेफ्ट वाले का राइट में और जो राइट साइड में है उसका x में, उल्टा होता है। एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटे यही एम प्लस एन आ जाएगा नीचे। वाई का भी वैसे ही है, सिर्फ एक्स जहाँ एक्स वन एक्स टू एक्स वन है वहाँ पे वाई टू वाई वन हो जाएगा, तो एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटे एम प्लस एन। तो इसलिए पी को हम कैसे लिख सकते हैं, बिंदु पी का एक्स निर्देशांक में ये फार्मूला लग जाएगा, ये फार्मूले से एक्स निर्देशांक मिल जाएगा, ये फार्मूले से वाई निर्देशांक मिल जाएगा। तो विभाजन सूत्र अच्छी तरह से समझ लीजिए आप। अब एक मध्य बिंदु का सूत्र, जैसे रेखाखंड ए बी है और पी रेखाखंड ए बी के मध्य में है, एकदम मध्य बिंदु है, यानी कि ए पी और पी बी ये दोनों बराबर है, ए पी और पी बी दोनों बराबर हैं, तब मध्य बिंदु सूत्र लगता है। कैसे लगता है, ये जो पी का एक्स निर्देशांक है उसको कैसे करेंगे, ये एक्स वन प्लस एक्स टू बटे दो, वाई निर्देशांक कैसे निकलेगा, ये वाई वन प्लस वाई टू, वाई वन प्लस वाई टू बटे दो। तो पी का एक्स निर्देशांक कैसे आएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू बटे दो, और ये जो वाई निर्देशांक है वो वाई वन प्लस वाई टू बटे दो। तो ये मध्य बिंदु सूत्र हो गया। तीसरा है केंद्रव सूत्र। केंद्रव किसे कहते हैं पहले समझ लीजिए। जैसे कि त्रिभुज ए बी सी है, यहाँ पर भुजा बी सी का मध्य बिंदु डी है, तो ये जो बी सी के मध्य बिंदु को और सामने वाला शीर्ष बिंदु ए है इसको मिलाएंगे तो माध्यिका हो जाएगा। ऐसे ही बिंदु बी और उसके सम्मुख भुजा ए सी के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो दूसरी माध्यिका मिल जाएगी। ऐसे ही ए बी का मध्य बिंदु और सी को मिलाएंगे तो तीसरी माध्यिका मिल जाएगी। तीनों माध्यिका एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, उसे केंद्रव कहते हैं, उसे अक्सर जी अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। तो उसी केंद्रव का निर्देशांक हम केंद्रव सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर तीनों शीर्ष बिंदु के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 x3 y3 है और केंद्रव का निर्देशांक x और y है, तो केंद्रव का x निर्देशांक ज्ञात करने के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y निर्देशांक ज्ञात करने के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3 करना पड़ता है। तो केंद्रों का x निर्देशांक
एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बटे तीन, वाई निर्देशांक वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बटे तीन। तो इसलिए केंद्रव जी का एक्स निर्देशांक का सूत्र और ये वाई निर्देशांक का सूत्र, तो इस तरह से केंद्रव मिल जाएगा। तो इतने सूत्र काफ़ी हैं 5.2 को समझने के लिए अच्छी तरह से। तो 5.2 में पहले सवाल पर आ जाते हैं। यहाँ पर दिया है कि बिंदु A का निर्देशांक -1.7 है, B का निर्देशांक 4.-3 है, और कोई बिंदु P है जो AB को m:n के अनुपात में विभाजित करता है। आइए टेक्स्ट बुक में ही देख लेते हैं। 5.2 का पहला सवाल, यदि बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करिए। तो AB को जोड़ने वाला रेखाखंड, यानी AB यहाँ रेखाखंड है और P जो है उसको विभाजित कर रहा है, तो P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो इसको आकृति बना लेंगे इस तरह से तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये बिंदु A -1.7, B 4.-3, तो इन दोनों को जोड़ने वाला रेखाखंड है। बिंदु P x, y इसे विभाजित कर रहा है और हमें P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो A के निर्देशांक को हमने x1, y1, B के निर्देशांक को x2, y2 मान लिया। ये जो अनुपात दिया था 2:3 उसे m और n मान लिया। P के निर्देशांक को x, y मान लिया। अब विभाजन सूत्र के द्वारा P का x निर्देशांक कैसे लिखेंगे? mx2+nx1/m+1, my2+ny1/m+n। अब यहाँ पर देखिए, ये m और n का मान डाल दिया, x2, x1 का मान डाल दिया, ये x2, x1, और इसे हल करेंगे तो ये x निर्देशांक मिल जाएगा। ऐसे ही जो y निर्देशांक की जगह पे my2+ny1/m+n, m, n, y2, y1 का मान सब डालने पर ये y का निर्देशांक भी मिल गया। इस तरह से बिंदु P का निर्देशांक मिल जाता है। दूसरे सवाल में ये PQ है जिसको कि टेक्स्टबुक में आइए देख लेते हैं। दूसरे सवाल में 3 उपप्रश्न हैं और हर एक उपप्रश्न में PQ है, और इस PQ को बिंदु A विभाजित करता है। रेखाखंड PQ को a:b के अनुपात में विभाजित करने वाला बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात करना है। जैसे यहाँ AB को P विभाजित कर रहा था, वैसे यहाँ PQ को बिंदु A विभाजित कर रहा है। जैसे देख लेते हैं आकृति से, ये PQ रेखाखंड है, अनुपात जो m:n लिख रहे थे वहाँ यहाँ a:b आ गया है, mn के जगह पे ab आ गया है। सूत्र वैसे ही है, सिर्फ यहाँ P का निर्देशांक ज्ञात करना है। यहाँ करना था, यहाँ पर A का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो इसको डायग्राम बनाएंगे तो अधिक समझ में आ जाएगा। ये देखिए, सभी दो के तीनों प्रश्न में बिंदु PQ है और बिंदु A उसको विभाजित कर रहा है A और B के अनुपात में, और तीनों ही सवालों में हमें A के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो P लिख दिया, Q लिख दिया, a:b लिख दिया, ये x1, y1, ये x2, y2। अब A का x निर्देशांक कैसे? ax2+bx1/a+b, ay2+by1/a+b है। अब ax और bx का मान डाल दिया, A और B का भी मान डाल दिया, ay, by का मान डाल दिया, मतलब ay2 और by1 का मान कैसे? ये देखिए, A का मान 2 है, B का मान 1 है, ऐसे ही y2 का मान -4 है, y1 का मान 7 है। तो इस तरह से ये सब मान यहाँ पर डाल दिया है, गुणा किया,
फिर ये चिन्ह के अनुसार ये 2-3 है तो -1/3, दोनों चिन्ह विपरीत हैं तो घटा करके बड़े वाले का चिन्ह लग जाता है, 8 में से 7 गया 1, बड़ा वाला नंबर 8 है जो माइनस में है तो माइनस, तो इस तरह 1 का निर्देशांक मिला। इसी तरह दूसरे का दूसरा है, ठीक वही विभाजन सूत्र द्वारा हम MX2 + NX1 लिखते थे, लेकिन M और N की जगह पे A और B है यहाँ पर, तो AX2 + BX1 A + B, तो हमें यहाँ पर पहले ही मान लेना है X1 Y1, ये 4 और 3 है तो X2 Y2, ये A3 है B4 है, तो इस तरह सूत्र लिख कर AB X2 X1 Y2 Y1 का सबका मान डालने पर ये हमें A का निर्देशांक प्राप्त होता है। ऐसे ही दूसरे के तीसरे सवाल में भी PQ है, तो PQ के निर्देशांकों को X1 Y1 X2 Y2 माना, ये अनुपात A A:B दिया ही है, फिर बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात करना है तो उसके X निर्देशांक का सूत्र विभाजन सूत्र द्वारा, Y निर्देशांक का सूत्र, फिर AX2 BX1 AY2 BY1 सबका मान डालने पर ये हमें A का निर्देशांक 0.13/3 प्राप्त होता है। अब आते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल यहाँ पर क्या है, यदि P'T'Q है, मतलब कि रेखाखंड PQ है और बिंदु T उसे विभाजित कर रहा है। अब बिंदु T का निर्देशांक यहाँ पर दिया है, देखिए जो 1 और 2 अभी पहले जो सवाल कर रहे थे उससे थोड़ा सा अलग है। ऊपर के सवालों में क्या था कि जो बिंदु विभाजित कर रहा था उसके निर्देशांक ज्ञात करने थे, P और Q के निर्देशांक दिए होते थे और जो बिंदु बीच में विभाजित करता था उसके निर्देशांक ज्ञात करने थे, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। बिंदु T विभाजित कर रहा है उसके निर्देशांक दिए हैं, बिंदु P का भी निर्देशांक दिया है, Q का भी निर्देशांक दिया है, तीनों निर्देशांक दे दिए हैं, केवल हमको वो M:N ज्ञात करना है, वो अनुपात ज्ञात करना है जिस अनुपात में बिंदु T PQ को विभाजित करता है, यानी M:N ज्ञात करना है। तो आइए शुरू करते हैं डायग्राम बना करके। ये P का निर्देशांक पता है, T का निर्देशांक भी पता है, Q का निर्देशांक भी पता है, M और N ज्ञात करना है। तो करना क्या है, देखिए जैसा हम लोग करते थे, ये X1 ये Y1 मान लेंगे, इसको XY मान लेंगे, ये X2 और Y2 मान लेंगे। अब विभाजन सूत्र से X निर्देशांक पता ही है, कैसे लिखते हैं, MX2 + NX1 / M+N। अब X का मान यहाँ -1 है, M का मान हमें मालूम नहीं है, X2 देखिए 6 माना है और X1 को -3 है, तो X1 की जगह पे -3 आ गया। MN हमें नहीं पता है तो उसको वैसे ही लिखना है। फिर ये M ये 6M हो गया, ये -3 + -3N हो गया, M+N और -1 का तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो ये -M - N = 6M - 3N हो गया। अब ये M दोनों एक साथ लिखना पड़ेगा, तो -M है और ये +6M को M के साथ लिखेंगे तो -6M, ये -3N, ये -N वहाँ जाके +3N हो जाएगा, तो ये -2N हो गया और ये -7M हो गया। ये N को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो बटे हो जाएगा, -7 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये भी बटे हो जाएगा, माइनस कैंसिल, तो M/N 2/7। तो इसलिए बिंदु T PQ को 2:7 2:7 के अनुपात में विभाजित करेगा। तीसरा सवाल ख़त्म। चौथा सवाल क्या है कि AB एक वृत्त का व्यास दिया है और P केंद्र दिया है, तो इसका मतलब AB जो है AB का मध्य बिंदु हो गया। अब यहाँ A का निर्देशांक दिया है, P का निर्देशांक भी दिया, B का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो इसको X1 Y1 मान लिया, इस B को X2 Y2 मान लिया, P के निर्देशांक को X और Y मान लिया। अब बिंदु P AB का मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु सूत्र से
x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 हो। अब x का मान माइनस 2 है तो x के जगह पे माइनस 2 आ गया, x1 का मान डाल दिया, x2 हमें नहीं पता है तो x2 के जगह पे x2 ही रहेगा, तिर्यक गुणा करेंगे माइनस 4, 2 को वो साइड में शिफ्ट किया तो माइनस 4 माइनस 2, तो x2 मिल गया माइनस 6। इसी तरह y2 हम निकाल लेंगे मध्य बिंदु सूत्र से, तो मध्य बिंदु सूत्र से y का फार्मूला क्या है, y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो y का मान y1 का मान डाल दिए, तिर्यक गुणा करेंगे 2 इंटू 0 0 ही होता है, माइनस 3 को शिफ्ट किया दूसरे साइड में तो y2 3 आ गया, तो इसलिए b का निर्देशांक माइनस 6.3 हो जाता है। अब आते हैं पांचवे सवाल पर, पांचवा सवाल क्या है, ये a और b को जोड़ने वाले रेखाखंड ab को बिंदु p k कॉमा 7 किस अनुपात में विभाजित करता है वो ज्ञात कीजिए और k का मान ज्ञात करिए, यानी ab यहाँ रेखाखंड है और बिंदु p उसको विभाजित कर रहा है, तो हमें अनुपात भी ज्ञात करना है और p का जो x निर्देशांक k है वो भी ज्ञात करना है। तो डायग्राम से समझ लेते हैं, देखिए ये a और b दो बिंदु हैं, इनको जोड़ने पर एक रेखाखंड ए बी प्राप्त होता है, बिंदु पी ए बी को विभाजित कर रहा है एम और एन के अनुपात में मान लेते हैं, और हमें यहाँ के ज्ञात करना है, तो हमेशा की तरह ये बिंदु को एक्स वन वाई वन मान लेंगे, पी जो बिंदु विभाजित कर रहा है उसे एक्स और वाई मान लेंगे, और जो दूसरा जो बिंदु अंत बिंदु है रेखाखंड का वो एक्स टू वाई टू मान लेंगे। तो माना P यह रेख AB को M is to N के अनुपात में विभाजित करता है। अब विभाजन सूत्र से Y निर्देशांक का सूत्र क्या है, एम वाई, अब यहाँ Y निर्देशांक पहले क्यों ले रहा हूँ मैं, क्योंकि X निर्देशांक P का देखो पता ही नहीं है, तो कभी भी ऐसा सूत्र लगाना है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमें मिल सके, तो X निर्देशांक यदि हम सूत्र लगाएंगे तो यहाँ x निर्देशांक भी नहीं पता है, अनुपात भी नहीं पता है, तीन चीज़ें नहीं पता है, तो फिर ये ज्ञात करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर हमें y निर्देशांक पता है तो यह इस y के सूत्र से मिल जाएगा m is to n, तो y का सूत्र लगा दिया m y2 plus n y1 upon m plus n, y का मान 7 है, y2 का मान यहाँ देखिए y2 की जगह पे 2 आ जाएगा, n हमें ज्ञात करना है, y1 9 है तो y1 की जगह पे 9, तो ये तिर्यक गुणा करेंगे 7m प्लस n बराबर 2m प्लस 9n, फिर 7m प्लस 7n बराबर 2m प्लस 9n, फिर m और n को एक साथ लिख देंगे तो 7m माइनस 2m बराबर 9n माइनस 7 हो जाएगा, 7 माइनस 2 करेंगे 5m और ये 9 माइनस 7 2n, n को इधर शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड में तो m बटे n हो जाएगा, 5 को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया तो m इज टू n अनुपात मिल गया। अब हमें k का मान ज्ञात करना है तो विभाजन सूत्र में जो x का फार्मूला है वो लगा देंगे, x बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, अब हमें m और n तो पता ही है 2 और 5 है तो m और n का मान डाल दिया, x2 x1 का मान डाल दिया और इस तरह से हल करने पर k का मान मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं छठवें सवाल पर, छठवां सवाल क्या है, छठवां सवाल है कि बिंदु ये दो बिंदु हैं 22.20 और 0.16, इनको जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो आप मध्य बिंदु सूत्र से मिल जाएगा, ये बिंदु P के निर्देशांक को x1 y1 मान लिया, Q के निर्देशांक को x2 y2 मान लिया और माना रेख PQ के मध्य बिंदु का निर्देशांक xy है। अब मध्य बिंदु सूत्र से x का फार्मूला लग गया x1 प्लस x2 बटे 2, x1 x2 का मान डाला और 2 से भाग दे दिया x मिल गया, ऐसे ही y का फार्मूला लगा के मान डाल के y भी मिल गया, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक 11.18 आ गया। छठे के बाद सातवें सवाल पर, नीचे त्रिभुज के शीर्ष बिंदु दिए हैं, प्रत्येक त्रिभुज के केंद्रव का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो केंद्रव का निर्देशांक किससे मिलेगा, केंद्रव सूत्र से मिल जाएगा,
कैसे करना है, यहाँ पर देखिए जितने भी x निर्देशांक है उसको x1, x2, x3 मानना है, y निर्देशांक है उन्हें y1, y2, y3 मानना है, फिर केंद्र सूत्र लगा देना है और केंद्र सूत्र का निर्देशांक मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर ये तीनों बिंदु दिए हैं शीर्ष बिंदु, इसको x1, y1, x2, y2, x3, y3 मान लिया, केंद्र g को x, y मान लिया। आप केंद्र सूत्र से x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, फिर x1 x2 x3 का मान डाला, सॉल्व किया तो x का निर्देशांक मिल गया। ऐसे ही y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3, y1 y2 y3 का मान डाला, हल किया और y भी मिल गया। तो इस प्रकार केंद्रों का निर्देशांक 1, 3 प्राप्त होता है। इसी प्रकार ये बाकी दूसरा और तीसरा सवाल भी ऐसे ही हल करना है। देखिए यहाँ पर मैंने हल किया हुआ है दूसरा, सेम उसी तरह से, ये थोड़ा शॉर्टकट तरीके से मैंने सॉल्व किया। यहाँ x और y निर्देशांक एक साथ इसे हल किया तो ये केंद्रों का निर्देशांक देखो मिल गया दूसरे। इसी प्रकार तीसरे सवाल में भी केंद्रों का निर्देशांक मिल गया। तो सातवां सवाल पूरा होता है। अब आठवें सवाल पे चलते हैं। तो ये आठवां सवाल पे आते हैं। देखिए त्रिभुज एबीसी में जी केंद्रव है, बिंदु ए बी तथा जी के निर्देशांक दिए गए हैं। ये ए बी और जी के निर्देशांक दिए गए हैं, सी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो उसको डायग्राम में समझाता हूँ मैं आपको। ये ए का निर्देशांक, बी का और जी का निर्देशांक दिया है, सी का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो ए बी और सी के निर्देशांक हम लोग हमेशा x1, y1, x2, y2, x3, y3 मानते हैं, जी के निर्देशांक को x और y मानते हैं। तो केंद्र सूत्र से x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, फिर x, x1, x2 का मान डाल दिया, x3 का मान नहीं पता है तो वैसे ही रहेगा, तिरियक गुणा कर देंगे, माइनस 12 आ गया, माइनस 14 प्लस 3 माइनस 11, माइनस 11 को वो साइड में शिफ्ट करने पे प्लस 11 हो गया और x3 का मान माइनस 1 आ गया। अब y निर्देशांक के y सूत्र के द्वारा y3 भी निकाल लेंगे। तो y का मान, y1, y2 का मान, y3 नहीं पता है तो ऐसे लिख देंगे, तिरियक गुणा, माइनस 21 प्लस 14, ये माइनस 7 आ गया y3। तो ये बिंदु C का निर्देशांक -1, 7 हो गया। अब नवे सवाल पर चलते हैं। नवा सवाल क्या है, बिंदु A, B को जोड़ने वाले रेखाखंड A, B के त्रिविभाजक बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। यानी A, B एक रेखाखंड है और इसको तीन समान भागों में विभाजित करने वाले जो बिंदु हैं उनके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। नौवां सवाल पढ़ना था मुझे। नौवां सवाल में क्या है कि जी केंद्रव है, उसका निर्देशांक दिया है और त्रिभुज के जो शीर्ष बिंदु हैं ए बी और सी हैं, तो यहाँ पर एच और ये जो के है इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं नौवें सवाल में। तो जी के निर्देशांक को हमेशा एक्स और वाई हम लोग मानते हैं, ए बी सी को हम लोग एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री मानते हैं, एच और के ज्ञात करना है। केंद्र सूत्र हमने लगा दिया, एक्स एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री सबके मान यहाँ पर डाल दिया, तीन और एक का तिरियक गुणा हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, टू माइनस सिक्स माइनस फोर, वहाँ जाके प्लस हो गया तो एच का मान 7 हो गया। अब ऐसे ही वाई का सूत्र लगाएंगे, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री, अब वाई वाई वन वाई टू वाई थ्री तीनों मान डाल दिया, 5 × 15 तिरियक गुणा, माइनस 6 प्लस 3 माइनस 3, वहाँ जाके प्लस 3 हो गया, k का मान 18 आ गया। अब दसवां सवाल, जो मैंने कहा था कि रेखाखंड ए बी है, वहाँ पर a और b के निर्देशांक तो दिए हैं, अब ये रेखाखंड ए बी को तीन समान भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो हम लोग मान लेंगे कि माना बिंदु P और Q रेखाखंड ए बी को तीन समान भागों में विभाजित करता है। देखिए कैसे,
ये ए पी एक भाग पी क्यू, दूसरा भाग क्यू बी, तीसरा भाग है, एक दो और तीन। तो बिंदु पी क्यू जो है वो ए बी को तीन समान भागों में विभाजित करता है, तो हमें P और Q के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो ध्यान से आकृति की तरफ देखिए बच्चों, यहाँ A का निर्देशांक को X1 Y1 मान लिया, B के निर्देशांक को X2 Y2 मान लिया, P के निर्देशांक को X, Y मान लिया। अब देखिए यहाँ पर ये एक भाग है, तो यहाँ M1 आ गया, M is to N का जो अनुपात है वो इस तरफ एक है, और यहाँ पर देखिए राइट साइड में एक और दो है, इधर राइट साइड में दो है, तो अनुपात यहाँ पर क्या है, वन इज टू टू है। आप समझ गए होंगे, देखो बेटा इधर तीन में से एक भाग इधर है और दो भाग यहाँ राइट साइड में है, तो अनुपात क्या बन रहा है, वन इज टू टू, यानी m और n का जो अनुपात है वो वन इज टू टू का है। तो यहाँ हमें x1 y1 मालूम पड़ गया, x2 y2 मालूम पड़ गया, m और n मालूम पड़ गया, x और y हमें ज्ञात करना है। तो वही विभाजन सूत्र लग जाएगा, P का x निर्देशांक कैसे लिखते हैं, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। वाई निर्देशांक कैसे लिखते हैं, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। अब इधर एम एक्स टू एन एक्स वन एम और एन सबका मान डाल दिया है, ऐसे यहाँ पर भी एम वाई टू एन वाई वन एम प्लस एन सबका मान डालने पर, इसे हल करने पर ये P का निर्देशांक मिल गया। अब Q का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, तो देखिए P का निर्देशांक हमें मिल चुका है, B का निर्देशांक पहले से ही दिया था। अब देखिए अगर हम PB की बात करें तो Q देखो एकदम बीच में आ रहा है, क्योंकि QP भी एक भाग है, QB भी एक भाग है, यानी Q जो है PB का मध्य बिंदु है। तो यहाँ मध्य बिंदु सूत्र से हम लोग Q का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ बिंदु Q PB का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु सूत्र से Q का x निर्देशांक क्या हो जाएगा, ये x1 प्लस x2 यानी 0 प्लस ऑफ माइनस 4 बटे 2 कॉमा, y निर्देशांक कैसे करेंगे, यहाँ पर y 2 है तो 2 प्लस माइनस 8, दोनों का y जोड़कर 2 से भाग, प्लस माइनस माइनस यानी माइनस 4 अपॉन 2, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस तो 2 माइनस 8 अपॉन 2, ये दो से भाग देंगे तो माइनस टू आ जाएगा, माइनस सिक्स बटे दो यानी माइनस थ्री। तो Q का निर्देशांक माइनस टू कॉमा माइनस थ्री। इसी प्रकार 11वां सवाल है, यहाँ पर रेखाखंड AB है, उसको चार समान भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो हम लोग मान लेंगे विमाना बिंदु P, Q तथा R यह रेखाखंड AB को चार समान भागों में विभाजित करता है। चार समान भाग यहाँ देख लीजिए, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, चार समान भाग है। अब कैसे करेंगे देखो ध्यान से, यहाँ पर जो Q है वो A और B का मध्य बिंदु है, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट साइड में भी दो भाग मिल रहे हैं, राइट साइड में भी दो भाग मिल रहे हैं, यानी Q एकदम मध्य में है। तो Q का निर्देशांक मध्य बिंदु सूत्र से मिल जाएगा, उसके बाद P का निर्देशांक भी मध्य बिंदु से मिलेगा, क्योंकि AQ के बीच में P आ रहा है। ऐसे ही R Q और B के मध्य में है, तो R भी मध्य बिंदु सूत्र से मिल जाएगा, तो यहाँ विभाजन सूत्र लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो सूत्र कैसे लगेगा देखिए, Q AB का मध्य बिंदु है, तो इसलिए Q का x निर्देशांक कैसे निकालेंगे, ये A का x निर्देशांक और B का x निर्देशांक दोनों को जोड़ दिया, दो से भाग। Q का y निर्देशांक कैसे मिलेगा, ये A का y निर्देशांक और B का y निर्देशांक दोनों को प्लस करके दो से भाग, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस 12 बटे दो, ये दो चौक आठ तो माइनस 4 आ गया, माइनस 10 माइनस 12 दोनों चिन्ह सेम है तो जुड़ जाएगा, माइनस का चिन्ह लगेगा तो ये दो छंग 12 माइनस 6 आ गया, Q का निर्देशांक मिल गया, Q का निर्देशांक मिल गया। अब इसी तरह P का निर्देशांक भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि P जो है वो A और Q के बीच में है, तो P AQ का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु सूत्र से P का x निर्देशांक कैसे करेंगे, ये A और Q का x निर्देशांक दोनों को प्लस करके दो से भाग, y निर्देशांक के लिए दोनों के y निर्देशांक को प्लस करके दो से भाग, प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस, दोनों माइनस में है तो नंबर को जोड़ करके माइनस लगा देते हैं,
फिर 2 9 18 2 8 16 तो पी मिल गया -9, -8। अब इसी प्रकार बिंदु आर जो है वो क्यू और बी का मध्य बिंदु है, तो आर का निर्देशांक भी मध्य बिंदु सूत्र से लग जाएगा। तो आर का निर्देशांक मध्य बिंदु सूत्र से, तो ये आर का भी निर्देशांक प्राप्त हो गया। ऐसे ही 12वां सवाल पूछा है कि रेखाखंड ए बी को 5 समान भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, तो हम लोग मान लेंगे, माना बिंदु पी क्यू आर तथा एस ये रेखाखंड ए बी को 5 समान भागों में विभाजित करता है। तो 5 भाग देखिए हो गए, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर ए बी का मध्य बिंदु तो कोई भी नहीं है, क्योंकि यदि आप P लेते हो तो इधर 1 मिलता है, ये साइड में 4 मिलता है। Q लेते हो तो यहाँ 2 मिलेगा, इधर 3 मिलेगा। R लेते हो तो इधर 3 मिलेगा, इधर 2 मिलेगा। S लेते हो तो यहाँ 4, इधर 1 मिलेगा। यानी शुरू में तो मध्य बिंदु सूत्र आप नहीं लगा सकते, विभाजन सूत्र लगाना पड़ेगा। तो P का निर्देशांक कैसे करेंगे? P में देखिए इधर 1 भाग है और ये साइड में 4 भाग है, तो 1:4 का अनुपात बन रहा है, इसलिए m:2 ये 1 और 4 का अनुपात मिल रहा है। तो विभाजन सूत्र यहाँ लग जाएगा। विभाजन सूत्र कैसे लगता है? ये जो लेफ्ट साइड है उसका राइट में गुणा होता है। अब p का x निर्देशांक लिखना है तो 1 का गुणा इधर x में होगा, यानी 1:0 प्लस ये 4 का गुणा इधर x में होगा, यानी 4×20 बटे 1+4। ये वही सूत्र है, mx2+nx1/m+n। ऐसे ही y निर्देशांक लिखना है तो ये 1 का गुणा यहाँ y निर्देशांक में होगा, 1×20 प्लस 4 का गुणा इधर यहाँ y निर्देशांक में होगा, 4×10। तो 1×20 प्लस 4×40 और ये 1 और 4 5 हो गया। तो ये 80/5 और ये 60/5, तो P का निर्देशांक 16/12 आ गया। अब P का निर्देशांक हमें मिल गया है, B का निर्देशांक पहले से ही दिया था, अब सब मध्य बिंदु सूत्र से मिल जाएगा। क्योंकि तो R देखिए P और B के मध्य में आ रहा है, मध्य बिंदु है, इधर भी 2 इधर भी 2, तो मध्य बिंदु सूत्र से R का निर्देशांक मिल गया। R का निर्देशांक मिलने के बाद ये Q जो है PR के मध्य बिंदु है, तो Q भी मध्य बिंदु सूत्र से मिल जाएगा इस तरह से। फिर S RB का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु सूत्र से S का निर्देशांक भी मिल जाएगा इस तरह से। तो ये 5.2 यहाँ पर समाप्त होता है। 5.2 के बाद के जो सवाल हैं, उदाहरण हैं, 5.3 है, ये सब इस वर्ष 2020 और 21 में ये सब कैंसिल कर दिया है, परीक्षा में नहीं आएगा। प्रकृति पर संग्रह 5 के जो शेष सवाल हैं वो हम लोग बाद में चर्चा करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो आप लोग अच्छी तरह से इन सवालों को समझिए, कहीं पर कोई डाउट हो, कोई बात ना समझ में आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में या फिर मुझसे फ़ोन करके, मैसेज करके, किसी भी प्रकार संपर्क करके अपने डाउट को क्लियर करिए और नोटबुक में अच्छी तरह से इन सवालों को हल करिए और इनका अच्छे से अभ्यास करिए। धन्यवाद।